नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल SB मेडिसिन में। आज हम रिव्यू करेंगे लिजोफोर्स 600 mg टेबलेट के बारे में। इसके क्या क्या यूजेज हैं, बेनिफिट्स हैं, प्रिकॉशनर्स, आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। लिजोफोर्स 600 mg टेबलेट मैनकाइंड फार्मा का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है, जिसकी प्राइस होती है 142.63 रुपये पर स्ट्रिप। ये 4 टेबलेट की स्ट्रिप होती है, जिसका कंटेंट्स होता है लिनेजोलिड 600 mg। इस टेबलेट का यूज आप डॉक्टर की सलाह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यह टेबलेट आपको डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। लिजोफोर्स 600 mg टेबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इस टेबलेट का उपयोग लंग्स इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। जैसे कि अगर आपको निमोनिया की शिकायत है, बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया है, सेल्यूलाइटिस और डायबिटिक फूट अल्सर की समस्या है, तब इस टेबलेट का यूज आपको काफी आराम दिलाएगा। यह टेबलेट ऑक्साजोलिडिनोन्स ग्रुप से रिलेटेड दवा है। इसे MRSA यानी मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण स्किन के सॉफ्ट टिश्यू के इलाज के लिए भी यूज में लिया जाता है। इसे ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के इलाज में, TB के इलाज में भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ये टेबलेट एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, इस कारण इसके और भी कई मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इससे किसी अन्य बीमारी में भी यूज में लेने की आपको सलाह दे सकते हैं। जान लेते हैं इसके सावधानियों के बारे में। तो अगर आपको इसके कंटेंट से एलर्जी है, आपको किडनी डिसीज है या फिर आपको लीवर डिसीज है, तब ऐसे में आप इसका यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वो भी इसका यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डोज की अगर बात करें तो नॉर्मली इस टेबलेट को दिन में एक बार लेने की आपको सलाह जाती है, पर अलग अलग मरीज और उनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि इसका डोज क्या होगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसका यूज डॉक्टर के एडवाइस से करें। अब बात कर लेते हैं इसके होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में। तो जो कॉमन साइड इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं वो हैं दस्त लग जाना, उल्टी या जी घबराना, हेडेक होना और स्किन रेसेस की प्रॉब्लम आपको नजर आ सकती है। हो सकता है इन सभी साइड इफेक्ट के अलावा भी आपको कोई दूसरे साइड इफेक्ट नजर आए। अगर कोई दूसरे साइड इफेक्ट आपको दिखते हैं तब ऐसे में आप इसका यूज बंद करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।